और जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। और अब बात करेंगे, दिल्ली की हवा पानी खराब है। दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार दो दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद तीसरे दिन सोमवार को खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 626 दर्ज किया गया और गाजियाबाद के लोनी का AQI सुबह 9 बजे 650 दर्ज किया गया। यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। एक दिन पहले यह देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर था। हरियाणा के गुरुग्राम में AQI सुबह 9 बजे 746 दर्ज किया गया। वहीं हवा के साथ साथ दिल्ली का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। दिखाते हैं आपको राजधानी की दो तस्वीरें। दिल्ली का हवा पानी खराब है, हवा में जहर है और पानी में प्रदूषण है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो वो देश के दूसरे नंबर पर है प्रदूषित शहरों में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, धुंध छाई हुई है और ये धुंध नहीं है, जहरीली हवा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हवा में कितना जहर है और दूसरी तस्वीर पानी में कितना प्रदूषण है। दिल्ली की हवा पानी खराब हो रखी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कह रहे थे कि पराली अगर नहीं जलाई जाएगी तो प्रदूषण नहीं होगा और तमाम तरीके की उन्होंने व्यवस्थाएं भी की। उसके बावजूद भी जो AQI है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गाजियाबाद में भी AQI काफी ज्यादा दर्ज किया गया और देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है गाजियाबाद। दिल्ली की हवा पानी खराब हो चुकी है, जी आप तस्वीरों के माध्यम से ही देख चुके हैं। पानी जो है उस पर झाग बनने लगा है और यहाँ पर आप ये भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से ही इस तरीके का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार दो दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद तीसरे दिन सोमवार को खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप भरत। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे हम, इस वक्त दिल्ली के जो हाल है वो काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। राजधानी में हवा भी जहरीली हो गई है और पानी भी प्रदूषित हो गया। जी जी, जैसा मैं बताना चाहूंगा, इसमें दिवाली अभी खत्म ही हुई है, दिवाली पे रोक लगाने के बावजूद भी बेरोक टोक के इतने पटाखे फूटे गए और प्रदूषण इतना फैल गया कि जो AQI लेवल है वो 600 से ऊपर पहुंच गया दिल्ली का। दिल्ली में जगह जगह जहरीली हवा खराब हो गई, खासतौर से बच्चों और बूढ़ों के लिए इस समय बेहद गंभीर स्थिति है। जी कुलदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ पटाखे जलाने की वजह से ही वायु प्रदूषित हुई है और पानी क्यों इतना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है? जी जी जी, जैसा पानी का बोलना चाहूंगा मैं कि हरियाणा, बताया जा रहा है कि हरियाणा ने जो पानी छोड़ा उसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण यमुना नदी के अंदर इस समय जो जल में एक अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, जिससे यमुना का पानी काफी प्रदूषित हो गया। उसके ऊपर एक टॉक्सिक नाम के झाग की पूरी परत सी जम गई है। और जो प्रदूषण की बात करें तो दिवाली का प्रदूषण नहीं, जिसमें अभी आज ही पता लगा है कि DDA में जो है जो NGT से बात करके तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है उन पे भी रोक लगाने वाली है। कहीं ना कहीं दिवाली प्रदूषण और गाड़ियों का पोल्यूशन और जो कंस्ट्रक्शन, ये तीनों के तीनों ही जिम्मेवार है दिल्ली की हवा खराब करने के लिए। जी जी कुलदीप, लेकिन जैसे हर बार हम दिल्ली में देखते थे कि जब भी वायु प्रदूषित होती थी तो इल्जाम हमेशा किसानों पर आता था कि पराली जलाते हैं और इसकी वजह से दिल्ली की वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इस बार क्या रीजंस बताए जा रहे हैं? जी जी, जैसा हर बार किसानों के ऊपर ये सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने जितने भी खेत हैं पराली वही खाद बनाने के लिए इनको सब्सिडी भी दी है और कुछ राशि भी दी, वही के वही छिड़काव करके इनका पराली को वही खाद के रूप में तैयार किया गया। लेकिन ये पोल्यूशन जो है मेन, अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर गाड़ियों का पोल्यूशन इतना है और फैक्ट्री और जो अपना ये आपको कहना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन है, धूल मिट्टी इस समय इतनी उड़ रही है जिसको लेकर दिल्ली का प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति दिल्ली की इस समय होती जा रही है। जी कुलदीप, बिल्कुल कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो जहरीली हो गई हैं, पानी जो है वो प्रदूषित हो गई है और जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि AQI सबसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, 646
AQI दर्ज किया गया है आज सुबह 6 बजे, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी खराब है। ऐसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? और एक सबसे बड़ी बात, पटाखे तो बैन किए गए थे, तो आखिर ये पटाखे फोड़े कैसे गए और जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है, क्या इस पर भी किसी तरीके की कोई जांच की जा रही है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि दिल्ली के अंदर पटाखों पर पूरा बैन लगा हुआ था, फिर भी प्रशासन की नाक कैसी है, चोरी छिपे पटाखे बिके भी हैं और प्रशासन ने कई जगह रेड भी करी, जो पटाखे बरामद भी करे गए, लेकिन प्रशासन की जितनी भी कोशिश करी जाए वो तमाम नाकाम साबित हुई है, जिसके लेकर लोगों ने धड़ल्ले से पटाखे फोड़े और प्रदूषण का लेवल 600 से पार हो गया। जी बिल्कुल, तो क्या अभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जा रही है और ये प्रदूषित हवा को कैसे साफ किया जाएगा और ये जो पानी प्रदूषित हो रहा है ये कैसे साफ किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह से ही कोहरे जैसा जो हमें दिखाई पड़ता है, दरअसल वो कोहरा नहीं होता है, जहर होता है वो, और लोगों को काफी नुकसानदायक भी है। जी, देखो दिल्ली सरकार द्वारा जैसे एंटी स्मोक टावर है वो लगाए जा रहे हैं इस समय दिल्ली के अंदर, जिससे कि वायु प्रदूषण को, जो धूल की जो परत जमी हुई है उसको साफ किया जा सके। और जब पानी की बात करें तो अगर पानी के अंदर अमोनिया लेवल होने के कारण ही दिल्ली सरकार ने, DDMA ने यमुना घाट के ऊपर सार्वजनिक तौर से छत को बनाने के पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पानी के अंदर अमोनिया लेवल बहुत ही खतरनाक मात्रा के अंदर है, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिएक्शन और स्किन की कई तरह की बीमारियां लेकर पैदा कर सकता है। जी कुलदीप जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार से लोगों को निजात दिला पाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है और पानी भी प्रदूषित हो गया है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि हवा में जो जहर है इसे ठीक किया जाए और पानी जो प्रदूषित हो रहा है इसे भी ठीक किया जाए। हालांकि ये तस्वीरें डरा देने वाली है, लोगों को भी तमाम तरीके की बीमारियां घेर लेती है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है। हर बार दिल्ली में जब वायु प्रदूषण होता था तो इसका सारा ठीक रहा किसानों पर फोड़ दिया जाता था कि किसान पराली जलाते हैं, उस वजह से दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है। लेकिन हालांकि इस बार किसानों की पराली ही पर उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली सरकार ने काफी मेहनत की और वो रंग भी लाई, लेकिन इस बार पटाखों ने जिस तरीके से वायु को प्रदूषित किया है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितना ज्यादा नुकसानदायक है राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। और अब आपको जगदलपुर